क्रीड़ा भारती द्वारा गांव कमोदा में खेल चौपाल का आयोजन किया गया। खेल चौपाल में क्रीड़ा भारती के जिला अध्यक्ष धर्मपाल चौधरी डीपी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। वहीं क्रीड़ा भारती के प्रदेश उपाध्यक्ष व हॉकी में राज्यपाल अवार्डी सुभाष चौहान, मुख्य वक्ता अनिल चौधरी, लाभ सिंह व देवीलाल विशिष्ट अतिथि के रूप में पहुंचे। यहां पहुंचने पर चंद्रभान कमोदा व सरपंच प्रतिनिधि ईशम सिंह ने सभी अतिथियों का फूलमालाओं के साथ स्वागत किया। अपने संबोधन में मुख्य अतिथि धर्मपाल चौधरी ने कहा कि खेल खेलना बहुत जरूरी है। पुराने समय में प्रत्येक गांव में ग्रामीण खेल खेले जाते थे और खाली जगहों पर कुश्ती, कबड्डी व अन्य ग्रामीण खेल खेलते हुए लोग आमतौर पर दिख जाते थे, लेकिन अब सोशल मीडिया के समय में खेल लुप्त होने लगे हैं। क्रीड़ा भारती द्वारा कुरुक्षेत्र जिले के हर गांव में खेल चौपाल आयोजित की जाएगी व लोगों को खेलने के लिए जागरूक किया जाएगा। चौधरी ने कहा कि बुजुर्गों को भी चाहिए कि बच्चों को खेलने के लिए प्रेरित करें। मुख्य वक्ता सुभाष चौहान ने कहा कि महाभारत काल में से ही भारत की संस्कृति में खेल शामिल है। श्री कृष्ण जो भी खेल खेला करते थे और कृष्ण की धरती महाभारत की साक्षी धरती है। ऐसे में कुरुक्षेत्र के लोगों को खेलों के प्रति जागरूक होना पड़ेगा। खेल खेलने से जहां शरीर स्वस्थ होगा वहीं मन भी शांत होगा। ओलंपिक में जिस प्रकार से हरियाणा के छोरे मेडल जीत कर ला रहे हैं, मेडलों की संख्या को अब और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है। अब की बार 7 मेडल भारत के खिलाड़ी लाए हैं। वह दिन दूर नहीं जब 70 मेडल भारत के खिलाड़ी जीत कर लाएंगे। इस दौरान जिला व प्रदेश स्तर पर खेलने वाले गांव के बच्चों संजना, आंचल, कीर्ति, मुस्कान, जानवी व केशव को सम्मानित किया गया। वहीं कबड्डी के खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया गया। इस अवसर पर महेंद्र पाल शर्मा, रमेश प्राशर, मास्टर संजीव कुमार मोहन लाल, मुकेश हरिशरण, सुरेश कुमार देशराज व अन्य ग्रामीण भी मौजूद रहे। खेल चौपाल के दौरान ग्रामीणों ने खेलने में आ रही दिक्कतों को रखा वे आयोजकों ने समस्या के निपटारे हेतु सलाह दी। ग्रामीण युवाओं ने कहा कि गांव में खेलने के लिए कोई मैदान नहीं है। इस पर डीपी चौधरी ने खेल मंत्री संदीप सिंह से बात कर इस समस्या के निपटान हेतु आग्रह किया और ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि खेल खेलने में आ रही सभी दिक्कतों का निपटान करवाया जाएगा। देखिए गांव के मुद्दा में आज जो खेल चौपाल का कार्यक्रम हुआ है ये एक बड़ा उत्साहित प्रोग्राम हुआ है। हमें आज गांव में आकर गांव के लोगों के साथ ये बातें विचार साझा कर कि खेल को कैसे खेलना चाहिए, खेल के लिए बच्चों को कैसे प्रेरित करें और उनको ग्राउंड तक कैसे लेकर आएं, बहुत ही एक अच्छा अनुभवी प्रोग्राम रहा है। और इनके माध्यम से हम बच्चों को यहाँ इस ग्राउंड में लेकर आने की मुहिम में कामयाब रहेंगे। बड़ा अच्छा लगा गाँव की 6 बेटियों ने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मेडल लेकर आने का काम किया। ऐसे ही समय का हमें इंतजार है और इसको हम अच्छे तरीके से बुनाने का काम करेंगे। तो किसी ने कोई मांग भी रखी? देखिए एक साथी ने ग्राउंड की समस्या के बारे में बताया, ये इनकी समस्या जायज है क्योंकि पंचायती जमीन न होने की वजह से गांव में ग्राउंड की व्यवस्था नहीं है और गांव में जो जगह की तंगी की वजह से कोई पर्याप्त ग्राउंड नहीं है। तो हम सरकार से भी उम्मीद करते हैं, डिमांड करते हैं, गाँव कमोदा में जहाँ खेल के माध्यम से खेलने वाले खिलाड़ी अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं उनकी समस्या का समाधान करें और यह एक व्यवस्थित ग्राउंड बनाने का काम। देखिए हम इस बारे में खेल मंत्री जी से भी मिलेंगे, क्रीड़ा भारती के माध्यम से हम डिमांड करने का काम करेंगे कि गांव की जो समस्या उसको दूर करें। आइए, जो खेल चौपाल का आयोजन हुआ बड़ा सुंदर हुआ और मुझे लगता है कि गाँव में एक नया चिंतन, एक नया मनन शुरू हो गया है और इससे बहुत अच्छे निर्णय होंगे और बच्चे और बेटी और बेटियां सब खेलेंगे और अपने सशक्तिकरण की ओर बढ़ेंगे। खेल चौपाल का आयोजन किया गया जिसका मुख्य उद्देश्य है जो हमारे युवा वर्ग है, हमारे बच्चे हैं, वो खेलों की तरफ जाएं। आज खेल चौपाल में हमारे जिन्होंने हॉकी का अपना जीवन समर्पित किया हुआ है ऐसे श्री सुभाष चौहान जी और समाज के हर एक क्षेत्र में समाज सेवा के लिए तत्पर रहने वाले हमारे क्रीड़ा भारती के जिला अध्यक्ष धर्मपाल चौधरी डीपीजी आए हुए हैं। मैं तो इतना ही कहूँगा कि सभी माता पिता अपने बच्चों को किसी न किसी खेल में अवश्य भेजें क्योंकि बच्चा बलशाली होगा तभी वो सब कुछ कर सकता है। कमज़ोर और जो बीमार शरीर है उसके अंदर आत्मा का भी बीमार का ही निवास होता है। अगर हमारा शरीर बलवान होगा तो निश्चित रूप से उसके अंदर एक अच्छी आत्मा का निवास होगा।